हाय गाइस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये वीडियो मैं राखी वाले दिन शूट करने वाली हूँ और ये स्पेशली मैं अपनी सिस्टर के लिए बना रही हूँ वीडियो, और उन लोगों के लिए जिनको मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता है। तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप अपना मेकअप खुद से घर पर कैसे कर सकते हैं। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा और आप जानना चाहते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया और आप खुद से घर पे ऐसा लुक क्रिएट करना चाहते हैं, देन इट्स सो इजी, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। मेकअप करने से पहले स्किन प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद मॉइस्चराइज करेंगे। मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको सूट करता हो। अभी आई एम यूजिंग दिस ओले वाइट रेडियंट टोनर विच इज़ हाइड्रेटिंग एसेंस। हम मॉइस्चराइजर को अच्छे से आईज के नीचे, नोज एरिया पे और नेक पे भी अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे प्राइमर, इस प्रोफेशनल पोर मिनिमाइजर या बेनिफिट का है ये। सबसे ज़्यादा मेरी वीडियोस में मैं ये यूज़ करती हूँ, और आज भी मेरा ओपन पोर्स, तो ओपन पोर्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है, काफ़ी स्किन स्मूथ लगती है। नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ स्टार्ट आई मेकअप से। मैं अभी अपना फाउंडेशन और बेस नहीं लगाने वाली हूँ। नॉर्मली मैं अपना आई मेकअप पहले करना पसंद करती हूँ, तो आप लोगों को मैं वैसे ही दिखा रही हूँ। आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ यहाँ पर कंसीलर। कोई भी कंसीलर आप यूज़, मेरे पास एक क्रीम बेस कंसीलर भी है, और आपने देखा होगा मेरे पास मेबलिन का एज रिवाइंडर कंसीलर भी है। आई शो यू दैट, दिस वन जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप आई मेकअप शुरू करने के लिए आई प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजीली मिल जाएगा। कोई भी आई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, आई प्राइमर नहीं है तो कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम इसको सेट करेंगे, जो कंसीलर हमने लगाया है। कंसीलर को सेट करने के लिए आप लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर, ये आई थिंक सबके पास मिल जाता है कॉम्पैक्ट पाउडर। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे ब्रांड का ही यूज़ करें, बट इसको हम जस्ट सेट कर देंगे। मैं नॉर्मली ये ब्रश के साथ करती हूँ, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं सेम स्पॉन्ज जो आपके कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ में आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसको सेट कर। ओके, अगर आप चाहें मेकअप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल नेचुरल ब्राउन कलर मेकअप, ब्रॉन्जी आई सिंपल मेकअप भी कर सकते हैं। बट आई थॉट मैं एक ऐसा कलर यूज़ करूँ जो आपको वीडियो में नज़र आए और आप समझ सके कि कहाँ पे मेकअप यूज़ हो रहा है। कि ऊपर जब हम आईज़ ओपन करते हैं तो जो ये एरिया बनता है, इसको हम बोलते हैं क्रीज एरिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट शेड ही अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइटर शेड अप्लाई करने वाली हूँ, और आप कोई भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो। आई एम थिंकिंग अबाउट यूजिंग दिस वन, दिस। सो इसको अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ब्रश, ये ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं इसको, इस तरह का फ्लफी ब्रश होता है ये। इसकी हेल्प से मैं ये आई शेडो लेने वाली हूँ, मैंने आपको दिखाया। हम यहाँ पे ऐसे इस आई शेडो को लेंगे, अप्लाई करने वाली हूँ अपने क्रीज एरिया पे, विच इज़ दिस वन। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से अप्लाई करेंगे। सी, इट्स सो इजी। आपको यहाँ पे इसे रखना है और इस तरह से अप्लाई करना है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो हमारा आईब्रो के नीचे ये वाला एरिया होता है, हम वहाँ तक इसे नहीं लेके जाएंगे। एरिया पे हम कोई भी हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी लाइट कलर का आई शेडो। तो अभी मैं सेम आई शेडो यहीं पे अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज ओके। सो नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, इस एरिया को हम बोलते हैं आउटर कॉर्नर, एंड ये एरिया होता है इनर कॉर्नर। तो अभी मैं आउटर कॉर्नर पे एक डार्क आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ, और मैंने ब्रश चेंज कर दिया है। पहले मैं यूज़ कर रही थी ये ब्लेंडिंग ब्रश, अभी मैं उससे थोड़ा छोटा ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। अगेन इट्स अ फ्लफी ब्रश, बट इसको हम कॉर्नर पे यूज़ करने वाले हैं, और मैं ज़्यादा एरिया कवर नहीं करना चाहती,
तो हम सिर्फ इस कॉर्नर पे ये ब्रश फिट हो जाए, इसलिए ये वाला ब्रश यूज़ करने वाले हैं। नाम मैं यूज़ करने वाली हूँ पिंक आई शेडो, दिस वन जो मेरे ड्रेस के साथ में मैच होगा। हम आई शेडो लेंगे, एक्स्ट्रा एक्सेस को टैप ऑफ करेंगे, कॉर्नर पे हम इस ब्रश को ऐसे रखेंगे एंड धीरे धीरे इसको ऐसे ब्लेंड करना है, बहुत ही हल्के से। इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दोनों आई शेडो के बीच में एक स्मूथ एप्लीकेशन नज़र आना चाहिए। आई होप आपको ये कलर नज़र आ रहा हो, इसीलिए मैंने ये पिंक कलर यूज़ किया है। ये मैंने थोड़ा सा कॉर्नर पे ऐसे अप्लाई किया है और दूसरे कलर के साथ इसको थोड़ा मिक्स भी किया है, ठीक है। ऐसे ही सेम हम दूसरी साइड पे। ओके, हमें हैंड थोड़ा सा लाइट रखना है ब्लेंड करते हुए। आप अगर देखें, मैंने ब्रश को आगे ऐसे नहीं पकड़ा है, हम इसको थोड़ा पीछे से पकड़ेंगे ताकि हम उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालें और इसको ईजीली ब्लेंड कर लें थोड़ा सा ऐसे। किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली आप ऐसे राउंड मोशन में भी यूज़ कर सकते हो या फिर ये वाइपर वाला जो मोशन होता है ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, दोनों साइड पे इट्स डन। कि नेक्स्ट मैं सेम आई शेडो जो मैंने अभी यूज़ किया है, सेम ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करने वाली हूँ इस तरह से। सो इजी, आप जैसे काजल अप्लाई करते हैं, आपको बस वाटर लाइन पे अप्लाई ना करके लोअर लैश लाइन पे इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फ्लैट ब्रश। अगर आप देखो, ये एकदम फ्लैट ब्रश है, आई होप आपको नज़र आ रहा है। जो पहले हम ब्रश यूज़ कर रहे थे दे वर राउंड एंड फ्लफी, बट ये एकदम फ्लैट ब्रश है। एरिया पे जब भी आप कोई शिमरी आई शेडो यूज़ करते हैं और आई लिड पर हमें इसे अप्लाई करना होता है तो हम फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं। ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं यूज़ करने वाली हूँ ये शिमरी पिंक आई शेडो। हम आई शेडो को ऐसे लेंगे, इस तरह से टैप करके अप्लाई कर। आई होप आपको आई शेडो नज़र आ रहा हो। पिंक शिमरी कलर का ये आई शेडो है जो मैं पूरे आईलिड पे अप्लाई करने वाली हूँ। आईलिड हमारा ये पूरा कवर कर रही हूँ, इसको ऐसे टैप करके थोड़ा सा और आई शेडो मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए अच्छे से कि मैंने किस कलर का आई शेडो अप्लाई किया है। ओके, यू कैन सी द डिफरेंस, इधर आई शेडो नहीं लगा है और इधर लगा है, तो आई थिंक अब आपको कलर नज़र आ जाएगा। ओके, तो अभी हम वापस से अपने पुराने ब्रश पे जाएंगे जो ब्लेंडिंग ब्रश हमने वापस यूज़ किया था। फिर से हम वही ट्रांजिशन कलर जो हमने क्रीज एरिया पे यूज़ किया था, सेम वही कलर यूज़ करेंगे। ये इसलिए ताकि हम दोनों आई शेडो जो हमने अप्लाई किए हैं सबको मिक्स कर सकें। तो हम इस तरह से इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। कोई भी गैप या लाइन नज़र नहीं आना चाहिए, तो इसलिए हम इसको वापस से ऐसे अप्लाई करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आई शेडो अलग अलग नज़र ना आए और एक स्मूथ एप्लीकेशन नज़र आए। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्मॉल ब्रश। ये इस वाले ब्रश से भी थोड़ा स्मॉल है और थोड़ा पॉइंटेड है। ये ब्रश हमें चाहिए लोअर एरिया पे यूज़ करने के लिए। अभी हम यूज़ करने वाले हैं इसको कॉर्नर पे। मुझे थोड़ा और डार्कनेस चाहिए कॉर्नर पे, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये डार्क कलर। इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ कॉर्नर पे इस तरह से। ब्रश कह सकते हैं आप इसको। इसको मैं कॉर्नर्स पे इस तरह से अप्लाई करने वाली हूँ और हम इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर देंगे।
ये मैंने दोनों साइड पे अप्लाई किया है पेंसिल ब्रश की हेल्प से। सेम आई शेडो हम लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करेंगे इस तरह से। अगर आप चाहें आप आईलाइनर यूज कर सकते हैं, बट मैं आईलाइनर नहीं यूज करने वाली हूँ। मैं लाइनर यूज नहीं करने वाली हूँ, बट इंस्टेड ऑफ लाइनर मैं थोड़ा सा काजल पेंसिल यहाँ कॉर्नर पे इस तरह से अप्लाई करने वाली हूँ, हल्का सा कॉर्नर पे। अगर आप चाहें लोअर लैश लाइन पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेम इस ब्रश की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड करने वाली हूँ। सेम ब्लेंडिंग ब्रश जो मैंने पहले यूज़ किया था मैं वही यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करेंगे। ये थोड़ा पिंक स्मोकी आई टाइप लुक मैंने क्रिएट किया है, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। इजी, आप अपने आप भी घर पर ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। नाउ मस्कारा एंड सॉरी, मैं आईब्रोज करना भूल गई हूँ, सो आई डू द आईब्रो क्विकली। सबसे पहले इसको ऐसे कॉम किया। कॉम करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये आईब्रो पेंसिल, तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्विकली कि मुझे गैप्स में इसको ऐसे फिल करना है। इस तरह से हम फिल करेंगे। जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है वहाँ पे हमारे हेयर्स इस तरह से स्ट्रेट होते हैं, तो हम इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। के बाद हम फिर से अपना स्पूले लेंगे और इसको इस तरह से कॉम करेंगे ताकि वो नेचुरल लगे। एंड इट्स डन, माय आईब्रोज आर डन नाउ। आईब्रोज आर डन, बट अभी हमारा मेन फाउंडेशन हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो हम फाउंडेशन अप्लाई करने वाले हैं। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ माय फेवरेट स्पॉन्ज। स्पॉन्ज अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते, फाउंडेशन अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक आप ब्रश की हेल्प से भी इस तरह का कोई भी फ्लैट ब्रश लेके अपना फाउंडेशन लेके और उसके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप फिंगर्स से भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे डैप डैप करके। पर बिकॉज मुझे स्पॉन्ज से यूज़ करना बहुत पसंद है, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना फेवरेट स्पॉन्ज। एंड नाउ आई नीड माय फाउंडेशन। तना फाउंडेशन को हम लेंगे जस्ट टू पम्प्स, ज़्यादा फाउंडेशन हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं चाहिए। और इस तरह से स्पॉन्ज को लेकर इस तरह से फाउंडेशन लेंगे और इस तरह डैब 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 करके इसको अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन अगर आप स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम गीला करते हैं पहले पानी में डिप करके स्क्वीज करके, उसके बाद हम इसको फाउंडेशन लेके इस तरह से अप्लाई करते हैं। ऐसा करने के पीछे रीज़न है कि अगर आप डायरेक्टली इसको फाउंडेशन लेकर इस पे ड्राई स्पॉन्ज से अप्लाई करते हैं तो आपका सारा फाउंडेशन ये एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा। हम इसको ऐसे डैब डैब करके अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। फाउंडेशन हमें हर जगह पे अप्लाई करना है, नेक एरिया पे भी। नेक एरिया कभी नहीं भूलना है गाइस, बिकॉज हमारा फेस और नेक अलग नहीं लगना चाहिए, तो हम ईयर्स नेक हर जगह पे इसको इवनली अप्लाई करेंगे। इट्स टाइम फॉर कंसीलर। कंसीलर आप कोई भी यूज कर सकते हो जो भी आपके पास है। मेरे पास जो कंसीलर है आपने देखा हुआ है, इट्स मेबलिन एज रिवाइंडर कंसीलर। इसके अलावा भी आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। कुछ कंसीलर आपको इस तरह के पैलेट में भी मिलते हैं, बट अगर आप इंडिविजुअल हैं सिर्फ अपने मेकअप के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप
कोई भी नॉर्मल कंसीलर यूज़ कर सकते हो। उसको यूज़ करने के लिए मैं ये वाला कंसीलर अभी यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास ये पैलेट है तो आई थॉट मैं ये यूज़ कर लूँ बिकॉज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसको यूज़ करने के लिए हम थोड़ा इस तरह से फिंगर की हेल्प से मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप देखो, मैंने इसको फिंगर पे लिया है और इसको मैं इस तरह से अगेन डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। ओके, कंसीलर को अप्लाई करते हुए मैं इसको ऐसे ऊपर की साइड पे लेके जा रही हूँ, आईज के ऊपर की साइड पे, और इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया है। दोनों साइड पे हम इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। नाउ कंसीलर को हमें सेट करना होगा बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि जो आईज़ हैं उसके नीचे हमें क्रीज लाइन नज़र आए, रिंकल्स जैसा। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये लूज़ पाउडर। आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लूज़ पाउडर है दैन इट्स वेरी गुड बिकॉज लूज़ पाउडर से काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाता है। मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर ब्रश में लेने वाली हूँ और इस तरह से इसको अप्लाई करने वाली हूँ। ये मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग हम करते हैं अपने फेस को एक शेप देने के लिए। like अगर आपका डबल चिन है, चीक आप शार्प दिखाना चाहते हैं, फीचर्स हमारे जो like इफ आई हैव बिग फॉरहेड तो हम यहाँ पे इस एरिया पे और यहाँ कॉन्टोरिंग करेंगे। कॉन्टोरिंग के लिए आप अपनी स्किन कलर से 2-3 टोन डार्क का कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रॉन्जर है या अलग से आपके पास कॉन्टोर किट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं सेम आई शेडो पैलेट से ये डार्क ब्राउन कलर यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट है, अगर आपके पास ब्रॉन्जर नहीं है, आप सेम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। इसलिए इसको ईजी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग के लिए हम जो ब्रश यूज़ करते हैं वो इस टाइप का होता है, एंगुलर ब्रश। ब्रश में मैं थोड़ा सा ये आई शेडो लेने वाली हूँ और जो कॉन्टोर अप्लाई करने से पहले हम इस तरह से स्क्वीज करते हैं। ये लाइन अगर आपको नजर आ रही है, हमें सिर्फ इस लाइन को फॉलो करना है और कॉन्टोर करना है। हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, कॉन्टोर करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको एक बोन फील होगी जिसको हम अपनी चीक बोन बोलते हैं। उस बोन पे हम इसको अप्लाई करेंगे और इस ब्रश की हेल्प से कॉर्नर से इस तरह से, अगर आपको ये शेड नज़र आ रहा है हल्का सा, हम हल्का सा डार्क शेड यहाँ पे लेंगे और इसको सिर्फ ब्लेंड करेंगे इस तरह से। और आगे भी हमें ये कॉन्टोर करना है फोरहेड को शेप देने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे अप्लाई करूँगी। ये नॉर्मली 3 की शेप में होता है, अगर आप देखो ऐसे एंड देन ऐसे, तो ये एक 3 हमें ऐसे बनाना है। हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे फोरहेड पे। अच्छे से इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर ये लाइनें हमें नज़र आएंगी तो ये अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे मैं इसको अप्लाई करने अगर आप अपनी नोज को शार्प दिखाना चाहते हैं उसके लिए भी आप कॉन्टोरिंग करते हैं, जो मैं करने वाली हूँ अभी। मैं सेम आई शेडो लेने वाली हूँ बट नोज़ के लिए मैं ये स्मॉल ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। इसको हम इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ और यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी नोज़ बहुत अजीब लगने वाली है। तो इसको ब्लेंड करने का एक और तरीका है, मैं नॉर्मली ये स्पॉन्ज यूज़ करती हूँ क्योंकि स्पॉन्ज में थोड़ा सा आपका फाउंडेशन भी होता है और इसकी हेल्प सो द कॉन्टोरिंग पार्ट डन। अब हम यूज़ करने वाले हैं ब्लश। ब्लश यूज़ करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये राउंड ब्रश और मैं यूज़ करने वाली हूँ माई फेवरेट पीची एंड पिंक
ब्लश, इसमें अगर आप देखो शायद आपको नज़र आ जाए, इसमें दो शेड हैं. कैन यू सी, दिस वन इज़ ऑरेंज एंड दिस वन इज़ पिंक. तो मैं दोनों शेड को इस तरह से अप्लाई करने वाली हूँ. ब्लश यूज़ करने के लिए यू हैव टू जस्ट स्माइल. जो हम स्माइल करते हैं लाइक दिस, तो दीज आर द एप्पल ऑफ आवर चीक्स. हम यहाँ पे इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे, हल्का सा, बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से अप्लाई किया, एंड देन वी विल ब्लेंड इट. साइड पे नहीं जाना है, ऊपर की साइड पे जाना है इस तरह से. ओके, सो इट्स डन नाउ. अब हम अप्लाई करने वाले हैं हाइलाइटर. सो नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ हाइलाइटर. हाइलाइटर अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, आप कोई भी लाइट कलर का आई शेडो लाइक आई हैव दिस वन वो यूज़ कर सकते हैं. और ये हाइलाइट करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये स्मॉल पॉइंटेड ब्रश. इट्स वेरी टाइनी, आई होप आपको नज़र आ रहा हूँ. ओके, मैं ये सेम लाइट कलर लेने वाली हूँ. कैन यू गाइस सी दिस कलर? आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट, बट ये ऑप्शनल है. अगर आपको अच्छा लगता है हाईलाइट करना तो आप इसको हल्का सा जस्ट कॉर्नर में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू हाईलाइट आवर चीक बोन एज वेल. मैंने इसको इस तरह से फिंगर में अप्लाई किया है और मैं इसको ऐसे अब हाईलाइट करने वाली हूँ. वाओ, कैन यू सी द कलर? वाओ, एंड थोड़ा सा ब्रो बोन पे. वाओ, आई एम लविंग दिस. हाइलाइटर हम किस जगह पे यूज़ करते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू. हमारे चीक बोन्स पे, ब्रा बोन्स पे, और अगर आप चाहो थोड़ा सा यहाँ पे भी हाईलाइट कर सकते हैं आईब्रोज के जो हाई पॉइंट्स होते हैं. जहाँ जहाँ भी हमारे फेस पे लाइट पड़ती है हम उसको हाईलाइट करते हैं, नोज़ के टिप ऑफ द नोज पे, क्यूपिड बो, सम ऑन द चिन इफ़ यू वॉन्ट, फोरहेड पे इफ यू वॉन्ट, बट मैं सिर्फ इतना ही अप्लाई करने वाली हूँ. नाउ फॉर माई आई मेकअप आई हैव टू अप्लाई दी मस्कारा एज वेल, जो हमने पहले नहीं अप्लाई किया था. तो गिव मी अ मिनट, बिकॉज ये बिगनर्स के लिए मेकअप मैं करने वाली थी. तो आईलैशेस कर्लर अगर आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप नॉर्मली भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दी मस्कारा. ता-दा-दा. So now it's time for lipstick, lip liner, and सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ लिप लाइनर इस तरह से. Now lipstick and that's it. Lipstick मैं यूज़ करने वाली हूँ which is from Maybelline I think. It's Touch of Spice lipstick. It's, can you see the color? So it's done now. I'm done with the makeup. I hope you like the look. मैं जल्दी से रेडी होने वाली हूँ, और एक्चुअली मैं रेडी हूँ. I have to just wear my earrings and I'll be back soon. Give me a minute. So now I'm going to wear these earrings. Okay. Wow. And I'm done.
राखी है, तो आई थॉट आई पुट अ बिंदी एज वेल टू गिव इट अ ट्रेडिंग। आई होप ये सेंटर में है। हाँ दैट्स इट। सो आई होप यू गाइज एंजॉय द लुक, और आप इसको इजीली कर सकते हो। डोंट वरी, यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस। तो ये वीडियो स्पेशली मेरी सिस्टर के लिए था। आई होप गुड़िया यू विल लाइक इट, एंड अब शायद आप मेरा मेकअप वीडियो लाइक करें, बिकॉज़ उसको मेरे कोई भी वीडियोस पसंद नहीं आए। बिकॉज़ उसमें प्रॉब्लम ये था कि शी वॉज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप ये मेकअप कैसे करेंगे। बिकॉज़ फॉर बिगनर्स आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको नहीं पता चलता है कि हमने कैसे ब्रश यूज़ किया, कौन सा ब्रश यूज़ किया, सडनली कैसे वो ब्रश चेंज हो गया। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। और भी मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आप मेकअप कैसे कर सकते हैं, एंड यू कैन लर्न ईजीली। टू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो नाउ, और अब भी अगर समझ में नहीं आया तो आई मेक मोर वीडियोज़, बट प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू गाइज सो मच, आई लव यू। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। मैं एक स्मॉल ब्रश भी यूज़ करने वाली हूँ, ये पॉइंटेड ब्रश। नहीं, मैं कौन सा ब्रश यूज़ करने वाली हूँ, दिस वन। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।